नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी वायनाड से राहुल के वार की, महाराष्ट्र में पीएम मोदी के जाति कार्ड की, जानेंगे कि दिग्विजय सिंह को कौन देगा चुनौती, गुजरात के बीजेपी सांसदों की बढ़ी संपत्ति और आखिर में बात बेरोजगारी पर नए खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ के हनुमान मंदिर और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अब कल बनारस जाएंगे आदित्यनाथ योगी, काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन के करेंगे दर्शन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छापेमारी, 58 कमरे सील, बम बनाने का सामान और कई गाड़ियां बरामद। तमिलनाडु में चुनाव आयोग और आयकर विभाग की छापेमारी जारी, AMMK के बाद अब AIADMK के दफ्तर पर छापा, वोटर लिस्ट के साथ कैश बरामद। गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने लोकसभा चुनाव के लिए दिया भोजपुरी नारा, नारे में सीधे तौर पर सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला। और RJD नेता तेजस्वी यादव चुनावी रैली में हुए भावुक, कहा लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कमी को कर रहे हैं महसूस। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दर्ज करने के बाद आज राहुल गांधी फिर एक बार अपने इस नए निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दर्ज करने के बाद राहुल गांधी आज एक बार फिर अपने नए निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले राहुल गांधी ने केरल के प्रसिद्ध तिरुनेल्ली मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी दादी, पिता और पुलवामा के दिवंगतों के लिए प्रार्थना की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो अमेठी के साथ साथ वायनाड के लोगों की आवाज उठाने के लिए यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूं, मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं आपके ज्ञान और समझ का सम्मान करता हूं। मैं यहां एक राजनेता के रूप में नहीं आया, मैं यहां आपको अपने मन की बात बताने के लिए भी नहीं आया हूं। मैं यहां ये समझने के लिए आया हूं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वहीं RSS पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि पिछले 5 सालों में हम नरेंद्र मोदी और संघ की विचारधारा से लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा के पीछे का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को देश पर राज करना है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अमेठी के साथ साथ दक्षिण भारत के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। वायनाड की बहनें मुझे अपना भाई समझें, पिता और माता मुझे अपने बेटे की तरह मानें। उन्होंने कहा कि मैं इस वायनाड का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ जो विभिन्न विचारों संस्कृतियों का प्रतीक है। देश के बाकी लोग भी केरल और वायनाड से सीख सकते हैं। राहुल गांधी ने तो कहा कि वो अपने मन की बात कहने नहीं आए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर भावनाओं को भुनाने की कोशिश की और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़ा होने के कारण कांग्रेस ने उन्हें चोर कहा। पीएम मोदी अक्सर राहुल गांधी पर नामदार होने का तंज कसते हैं और खुद को कामदार बताते हैं। चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे मोदी जी ने आज एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही जाति का कार्ड भी खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुट गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को गालियां दी और अब हर उस व्यक्ति को चोर बोल रहे हैं जिसका नाम मोदी है। पिछड़ा होने की वजह से मुझे अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां दी, लेकिन इस बार वो पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लगे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ ही शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद राव भी खिलाड़ी हैं, वो हवा का रुख जान लेते हैं, वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देते। उन्होंने कहा कि भगवा के इस समुद्र को देखने के बाद अब मुझे पता है कि पवार चुनाव मैदान से क्यों भाग गए। खास बात यह है कि इस रैली में NCP के सांसद विजय सिंह मोहिते पाटिल पीएम मोदी के साथ एक मंच पर दिखे। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाकर लगातार एक दूसरे की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इधर मुख्तार अंसारी ने भी अखिलेश यादव के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया है, कैसे आइए देखते हैं। गाजीपुर लोकसभा पर महागठबंधन की ओर से BSP ने अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है। अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गाजीपुर के पास ही आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा बसपा में गठबंधन है और इसी नाते मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव का प्रचार कर अपने समर्थकों से उन्हें जिताने की अपील भी कर दी। लेकिन अखिलेश यादव इन दिनों धर्म संकट में चल रहे हैं। इसका कारण है मुख्तार को लेकर उनका व्यक्तिगत विरोध।
2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का सपा में विलय हुआ था। ये विलय शिवपाल यादव ने कराया था, लेकिन उस समय यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके खिलाफ खड़े हो गए। अखिलेश के विरोध को देखते हुए शिवपाल को ऐलान करना पड़ा कि पार्टी मुख्तार से रिश्ते नहीं रखेगी और न ही विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी। हाँ, मुख्तार के परिवार के सदस्यों को पार्टी जरूर टिकट देगी, लेकिन अखिलेश इसके बाद भी नहीं माने और बाद में तो सपा को इस विलय से पीछे हटना पड़ा। इससे नाराज अंसारी बंधुओं ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने अब लोकसभा चुनावों में गाजीपुर सीट से मुख्तार के भाई अफजाल को टिकट दे दिया है। मुख्तार इस समय जेल में हैं, लेकिन उनके परिवार को उम्मीद थी कि अंसारी बंधुओं को लेकर अखिलेश की नाराजगी खत्म हो गई होगी। अफजाल अंसारी गाजीपुर में अखिलेश यादव की रैली कराने की कोशिश में थे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मगर अब सपा की तरफ से साफ संकेत आ रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम हैं और वो अफजाल के प्रचार में गाजीपुर नहीं जाएंगे। सपा की ओर से इसे लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इस बात की चिंता जताई जा रही है कि अंसारी बंधुओं के कारण जिस तरह से अखिलेश को अपने चाचा शिवपाल से विवाद हुआ, वैसा गठबंधन में न हो जाए। अखिलेश यादव इस उलझन से बाहर निकलकर क्या अफजाल अंसारी के लिए प्रचार करते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। वैसे दिलचस्पी तो भोपाल सीट के लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। इस बार लोकसभा चुनावों में कई सीटों पर मुकाबला रोचक है, तो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल एक दूसरे को चुनौती देने के लिए किसे खड़ा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जहां से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा है और खबर है कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आज भोपाल में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रज्ञा ने कहा कि मैंने भाजपा की सदस्यता ले ली है और मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। आज सुबह ही भोपाल में भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह के साथ विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रभात झा, सतीश उपाध्याय, बृजेश लुनावत मौजूद थे। बैठक के बाद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल ऑफिस में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव केस में आरोपी बनाए जाने के बाद प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में आई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बयानों से हमेशा कांग्रेस को निशाने पर लेती रही हैं। प्रज्ञा का एबीवीपी और दुर्गा वाहिनी से जुड़ाव रहा है। वैसे दिग्विजय के सामने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के आधा दर्जन नेताओं के नाम की चर्चा थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम ऊपर थे, लेकिन मौका साध्वी प्रज्ञा को मिल सकता है। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को चुनाव होना है, इसके लिए 16 अप्रैल को नामांकन शुरू हो गया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह अपना दम दिखाते हैं या फिर साध्वी प्रज्ञा उन्हें मात देकर बीजेपी सांसद बनती हैं, ये 23 मई को साफ होगा। फिलहाल बात करते हैं उन बीजेपी सांसदों की जिनकी संपत्ति में बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है। गुजरात के 16 सांसदों की संपत्ति में 150% का उछाल आया है और ये खुद सांसदों ने ही अपने चुनावी शपथ पत्र में बताया है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और ये सभी सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थीं। इस बार बीजेपी ने कई सांसदों के टिकट काट दिए हैं, इसीलिए सिर्फ 16 सांसदों की जानकारी ही सामने आ पाई है। 2014 में भाजपा के 14 सांसदों की संपत्ति 40 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 98 करोड़ रुपए हो गई है। सांसदों की ये संपत्ति 5 सालों में बढ़ी है। भाजपा के 2 सांसदों सीआर पाटिल और केसी पटेल की संपत्ति में कमी पाई गई है। कुल मिलाकर भाजपा से फिर से चुनाव लड़ रहे 16 सांसदों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जब गुजरात में राज्यसभा का चुनाव लड़ा, तब उनकी संपत्ति 1,90,00,000 रुपए थी, जो बढ़कर 19 करोड़ हो गई है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वंशानुगत संपत्ति को जोड़ने के कारण उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। वैसे गुजरात में सबसे अमीर उम्मीदवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि मेहसाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार एजे पटेल हैं, जिनकी संपत्ति 55,38,00,000 रुपए से भी ज्यादा है। दूसरे स्थान पर नवसारी भाजपा के उम्मीदवार सीआर पाटिल हैं, जिनकी संपत्ति 45,43,00,000 रुपए है। तो एक तरफ नेताओं की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर आमजन और किसानों पर मौसम की आफत बरस रही है। कल देर शाम देश के कई हिस्सों में आंधी बारिश ने तबाही मचाई, जबकि आज भी तेज हवाओं और बारिश का पूर्वानुमान है। देश के कई राज्यों में मंगलवार शाम से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। गर्म हवा के थपेड़ों की जगह तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों से ओले और बिजली गिरने की भी खबरें हैं। उत्तर और पश्चिमी भारत पर मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर देखा गया। बारिश के साथ ही ओले के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आंधी और बारिश के कारण अब तक कम से कम 28 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में हुआ है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बारिश और तूफान से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से आए पश्चिमी विक्षोभ और पिछले 3-4 दिनों से चल रही हीट वेव के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। अनुमान है कि आज भी मौसम में ठंडक रहेगी। तेज रफ्तार हवाएं तापमान में गिरावट लाएंगी। आंधी और तूफान के भी आसार हैं। हालांकि गुरुवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और आखिर में बात बेरोजगारी पर नए खुलासे की। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी और जीएसटी, मोदी सरकार इन दो बड़े आर्थिक फैसलों पर अक्सर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन विपक्षी दल हमेशा इन फैसलों पर सवाल उठाते हैं। कई बड़े अर्थशास्त्री इन फैसलों से देश को हुए नुकसान पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अब एक बार फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि नोटबंदी से 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। जी हां, बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2018 के बीच लगभग 50 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई है। ये वही समय है जब नोटबंदी की मार लोगों पर पड़ी थी। अपने ही पैसे के लिए लोग लाइनों में खड़े होने को मजबूर थे और बहुत से लोगों की नौकरियां छिन गई थी। रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 की तीसरी तिमाही यानी सितंबर 2016 से दिसंबर 2016 के बीच शहरी और ग्रामीण लोगों की लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स में भागीदारी अचानक कम होने लगी थी। नौकरियों में गिरावट की शुरुआत का समय नोटबंदी के वक्त ही शुरू हुआ। रिपोर्ट का दावा है कि अब तक नोटबंदी के बाद बने हालात सुधरे नहीं हैं और भविष्य में भी नौकरी का संकट होने की चिंता जतलाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 से 24 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नोटबंदी में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट में पुरुषों के आंकड़ों को ही शामिल किया गया है। अगर इसमें महिला कर्मचारियों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं तो इस संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बेरोजगारी और नोटबंदी पर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये रिपोर्ट सामने आने से विरोधी पार्टियों को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।